हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर जेएनएम 2023 के बारे में। जम्मू कश्मीर जेएनएम का फुल फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसका फुल फॉर्म है। अब गाइस, अगर आप लोगों को यहाँ पे जो है इसमें एडमिशन, यानी कि जेएनएम कोर्सेस में एडमिशन चाहिए, जो कि 3.5 ईयर 3 ईयर 6 मंथ का कोर्स होता है, जो कि एक डिप्लोमा फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, अगर इसमें आपको एडमिशन चाहिए तो आपको उसके लिए इसके एग्जाम यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जेएनएम को क्लियर करके क्वालिफाई करना कंपलसरी मैंडेटरी है। अब गाइस, आईएएस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइक अगर डेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू आप लोगों की कोई भी डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही डेट्स अनाउंस होगी हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, उस वीडियो में आप लोगों को हर एक इवेंट की डेट्स एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, मे बी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। क्या करना होगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूंगा इसके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल करते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट किस तरह से स्कैन करके अपलोड करना है, जस्ट किसी भी तरह से आप जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करने की कोशिश करते हैं, रिजेक्शन फेस करने पड़ता है। तो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा करना है इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। जिसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा, फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताया जाएगा। सो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ताकि कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। एप्लीकेशन फी की बात की तो आप डायरेक्टली डेबिट या क्रेडिट या नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं। अब आते गाइस हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, क्योंकि गाइस अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कंपलसरी आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें, और एल्स यू कांट अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आप 12th पास आउट होने चाहिए, यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, आपकी एज जो है यहाँ पे मिनिमम 17 ईयर्स रहनी चाहिए, और आप मेडिकली फिट रहनी चाहिए, तो आप यहाँ पे जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे और अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट बात करेंगे, फिर इसके बाद आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसीजर इस तरह से रहता है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे, मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, देन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, एंड सारी चीजें सही रहेगी तो आप लोगों को जो फिर यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। सो गाइस, नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को जो है जम्मू एंड कश्मीर जेएनएम 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। Thank you, friends.